गुड मॉर्निंग बच्चों, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट बिफोर दैट, टुडे इज 26th ऑफ जनवरी एंड टुडे इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन से। जो पहला लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। तो देखो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दिया हुआ है इसके रूट्स, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जा रहे हैं, जिसके रूट्स हो जा रहे हैं अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, ठीक है। जिसके रूट्स क्या हो जा रहे हैं, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस के को अल्फा वन मान लेते हैं और बीटा प्लस के को बीटा वन मान लेते हैं। तो हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा वन और बीटा वन हो। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन, ये ब्रैकेट है, इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा वन को हम लोगों ने मान रखा है अल्फा प्लस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस के, और बीटा वन को क्या मान रखा है, बीटा प्लस के, बीटा प्लस के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस टू के, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इसकी हेल्प से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिख पाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है, यहां पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म सी डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मैं अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए प्लस टू के, और इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस टू ए के बाई ए। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, अल्फा वन इंटू बीटा वन क्या हो जाएगा, अल्फा वन को हम लोगों ने क्या मान रखा था, अल्फा प्लस के को हम लोगों ने क्या मान रखा था, अल्फा वन, और बीटा प्लस के को हम लोगों ने क्या मान रखा था, मान रखा है बीटा वन, ठीक है। तो अल्फा वन की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस के और बीटा वन की जगह मैं लिखूंगा बीटा प्लस के, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में, इंटू के प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, यहां पे रखो
सी बाई ए हम लोगों ने रख दिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो यहां पे मैंने रख दिया माइनस बी बाई ए के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी, मतलब अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस बी के प्लस ए के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से क्या आ जाएगी, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोगों को दो वैल्यूज मिल गई, अल्फा वन इंटू बीटा वन और यहां पे अल्फा वन प्लस बीटा वन, और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था। क्या लिखा था, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। यहां पे अगर हम लोग अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोगों को ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू है माइनस बी प्लस टू ए के डिवाइडेड बाई ए। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस टू ए के डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन, यहां पे अल्फा वन इंटू बीटा वन है, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है सी माइनस बी के, सी माइनस बी के प्लस ए के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, यहां पे क्या है, ये यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, तो इसको मैंने x माइनस के का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा इसको, फिर मैं लिखूंगा b x माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हमें कैलकुलेट करना था। अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं। जैसे मान लो एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तुम्हें, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो और इसके रूट्स क्या हो, अल्फा और बीटा हो। ठीक है, अब तुमसे पूछा हो कि एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करिए जिसका रूट्स क्या है, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। या ये कहा गया हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करें तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो एक लॉन्ग मेथड था सॉल्व करने का, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड था, इसको ऑब्जेक्टिव मेथड, जैसे प्रॉब्लम्स आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जेई मेन और एडवांस में जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेथड से करने के लिए जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जाएं। मतलब अल्फा में भी हम लोगों ने एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया और बीटा में भी एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया।
अब अगर हम लोगों ने अल्फा और बीटा में कांस्टेंट के ऐड कर दिया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमें पूछा जाएगा कि अगर रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जाते हैं तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बस सिंपल ये करना होगा, अल्फा प्लस के को एक्स मान लेंगे, ठीक है, और यहां पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के, ठीक है। अब क्या है, इस एक्स माइनस के को एक्स की जगह यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स माइनस के को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर एक्स की जगह एक्स माइनस के को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जिसकी सहायता से आप लोग इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, इसके रूट्स दिए होंगे, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस के को एक्स मान लेंगे। यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस के को एक्स मान लिया है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के। अब क्या किया है, जो रिक्वायर्ड जो हमारे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें एक्स की जगह हम लोग एक्स माइनस के को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर एक्स की जगह एक्स माइनस के को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एक्स की जगह देखो एक्स माइनस के को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड या ऑब्जेक्टिव मेथड से इस प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है एक, यहां पे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगी, जैसे प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने किया था, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाए, अल्फा माइनस के हो जाए और बीटा माइनस के हो जाए, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट के को अल्फा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है और बीटा में से भी क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फा माइनस के को अल्फा वन मान लेंगे और बीटा माइनस के को बीटा वन मान लेंगे, ठीक है। और हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं जिसके रूट्स क्या हैं, क्या हो, अल्फा वन और बीटा वन हो। कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर हम लोग अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो अल्फा वन को हम लोगों ने क्या मान रखा है, अल्फा माइनस के, इसको अल्फा माइनस के, और बीटा वन को क्या मान रखा है, बीटा माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस टू के, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस टू के। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस टू के ए डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू। देखो अल्फा वन और बीटा वन की वैल्यू, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा वन क्या है, अल्फा माइनस के, और बीटा वन क्या है, बीटा माइनस के, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। इस गिविन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, यहाँ पर पुट कर लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये बी बाई ए के प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस बी के प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, एक वैल्यू अल्फा वन प्लस बीटा वन की और दूसरी अल्फा वन इंटू बीटा वन की। अब हम लोगों ने ऑलरेडी क्या लिख रखा है, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू यहाँ से उठा करके और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू यहाँ से उठा करके सब्सटीट्यूट कर दें तो हम लोगों को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू है ठीक है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बी प्लस टू के ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक, और प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा c प्लस बी के प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करोगे तो a x स्क्वायर प्लस टू एक्स के प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, प्लस b x प्लस के प्लस सी इज इक्व टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए एक्स प्लस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी इज इक्व टू ज़ीरो, तो ये जो मिल के आया वो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ए एक्स प्लस k का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के प्लस सी इज इक्व टू जीरो, ठीक है। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्व टू जीरो, ठीक है। इसके रूट्स क्या दिए हुए थे, अल्फा और बीटा दिए हुए थे, और हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना था जिसके रूट्स क्या हो जाएं, जिसके रूट्स हो जाएं अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के। तो देखो हम लोगों ने इसको जो निकाला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक लॉन्ग मेथड से निकाला है पूरा सॉल्व करके। अब अगर आप शॉर्ट मेथड से इसको निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, सिंपली अल्फा माइनस के को एक्स पुट कर देना है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ये एक्स प्लस के, ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस के आ गई। अब क्या करना है, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे एक्स की जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स प्लस के। यहाँ पे अगर एक्स की जगह एक्स प्लस के रिप्लेस करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक्स की जगह अगर एक्स प्लस के रिप्लेस कर दोगे तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या है, जैसे तीसरा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा के एंड बीटा के। यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं? इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, जिसके रूट्स हो जाएं अल्फा के एंड बीटा के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये जो डाटा दिया हुआ है इन डाटा की सहायता से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जैसे प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने जैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा या नहीं। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा के और बीटा के। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अल्फा वन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा वन, ठीक। अब हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं जिसके रूट अल्फा वन और बीटा वन हो। कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अल्फा वन को हम लोगों ने मान रखा है अल्फा के, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो अल्फा के, और बीटा वन को मान रखा है हम लोगों ने, बीटा वन किसको मान रखा है, बीटा के को, तो यहाँ पे बीटा के, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस के, अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या आई, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू के। अब अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी के बाई ए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अल्फा वन इंटू बीटा वन, अल्फा वन क्या है, अल्फा के है और बीटा वन क्या है, बीटा के, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए के स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों ही वैल्यू आ गई हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ये था। अब अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी के बाई ए एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी के स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो कि के स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी के एक्स बाई के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इससे ये क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमें ए एक्स बाई के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई के प्लस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो मिल करके आया, ये जो निकल करके आया, ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या दिए हुए थे, अल्फा एंड बीटा, और हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट किया है उसके रूट्स
क्या क्या होंगे? इसके रूट्स हैं अल्फा, सॉरी इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा के और बीटा के। ठीक ठीक है, तो एक ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया था जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा के और बीटा के। तो ये पूरा प्रोसीजर से हम लोगों ने प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम को आपको, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिव मेथड से करना हो तो क्या करोगे, हमें क्या करना होगा, जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको जीरो, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हो, और हमें क्या कैलकुलेट करना हो, हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैलकुलेट करना है जिसके रूट्स अल्फा के और बीटा के हों, तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा के को एक्स मान लेंगे। ठीक है, और यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई के। इस अल्फा की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स बाई के, एक्स की जगह हम लोग एक्स बाई के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक्स की जगह हम लोग एक्स बाई के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, इस मेथड से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई के एंड बीटा बाई के। यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा बाई के और बीटा बाई के हों। ठीक है, देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए, जैसे प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी सी बाई ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा बाई के और बीटा बाई के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा वन और इसको मान लेते हैं बीटा वन। ठीक है, अब देखो हम लोग एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा वन और बीटा वन हो। कैसे राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा वन प्लस बीटा वन को अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा वन को हम लोगों ने किसको मान रखा है, अल्फा बाई के को अल्फा वन मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई के प्लस बीटा वन को, बीटा वन किसको मान रखा है, बीटा बाई के को, तो ये हो जाएगा बीटा बाई के। और इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई के, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो ये माइनस बी बाई के ए, माइनस बी बाई के ए, अल्फा वन प्लस बीटा वन। ऐसे ही अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा वन किसको मान रखा है, अल्फा बाई के को, और बीटा वन किसको मान रखा है, बीटा बाई के को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बाई के स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई के स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मिल गई, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की जगह और अल्फा वन इंटू बीटा वन की जगह, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था
ठीक है, वो मिल जाएगा। अब देखो क्या था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, यही था। अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू क्या है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू माइनस बी बाई के ए है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई के ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू सी बाई के स्क्वायर ए, सी बाई के स्क्वायर ए, सी बाई के स्क्वायर ए। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो के स्क्वायर ए से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या दिए थे, इसके रूट्स दिए थे अल्फा एंड बीटा। और हमें कैलकुलेट क्या करना था इनसे, हमें कैलकुलेट करना था एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो, अल्फा बाई के और बीटा बाई के हो। इसके रूट्स क्या हो, अल्फा बाई के और बीटा बाई के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो अगर आपको एक शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो अल्फा बाई के, जैसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए रहेंगे। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा बाई के और बीटा बाई के। तो जो रूट्स हो जाएं, यानी अल्फा बाई के को तुम क्या मान लोगे, अल्फा बाई के को मान लोगे एक्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे एक्स की जगह के एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर एक्स की जगह के एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह हम लोगों ने के एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह के एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक शॉर्टेस्ट मेथड था, इस मेथड से आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके क्या दिए हैं, रूट्स दिए हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट्स दिए हुए हैं, इसकी सहायता से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं, ठीक है। अब क्या है, हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएं। तो इसको हम लोग अल्फा वन मान लेंगे और इसको मान लेंगे बीटा वन, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा वन और बीटा वन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख पाएंगे। अब देखो ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो इसको कैलकुलेट कर पाओगे,
क्या हो जाएगा ये माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो वहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए। ऐसे ही अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। तो अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू ये जो निकल के आई, इसको उठा करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू जीरो, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या मिला, मिला हमें ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसे हमें फाइंड आउट करना था। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन था, क्या था, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स क्या थे, इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, और हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना था जिसके रूट्स क्या हों, माइनस अल्फा और माइनस बीटा हों, ठीक है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और शॉर्ट मेथड से कैसे करोगे, अगर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना हो तो माइनस अल्फा को क्या मानोगे, एक्स मान लोगे, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस एक्स आ गई, इस वैल्यू को उठा करके इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर पाएंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इसके रूट्स भी दिए हैं, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो, ठीक है। अब देखो ये जो हमें गिविन है, हमें क्या गिविन है, हमें गिविन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स। इसकी सहायता से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाए। तो 1 बाई अल्फा को हम लोग अल्फा 1 मान लेते हैं और 1 बाई बीटा को बीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं जिसके रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1 हो। कैसे राइट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 यहाँ पे एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा 1 को क्या मान रखा है, हम लोगों ने 1 बाई अल्फा को अल्फा 1 मान रखा है,
तो यहाँ पे अल्फा वन की वैल्यू 1/अल्फा हो जाएगी और बीटा वन की वैल्यू 1/बीटा हो जाएगी और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक, अब देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई ए। यहाँ पे सी बाई ए पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी बाई सी। ठीक, यानी अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू मिल गई माइनस बी बाई सी। ऐसे ही हम लोग अल्फा वन इंटू बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा वन इंटू बीटा वन क्या हो जाएगा, अल्फा वन किसको मान रखा है 1/अल्फा को, तो ये 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सी बाई ए, यानी ये हो जाएगा ए बाई सी। ठीक, और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन एक्स प्लस अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही तो था, यही था। अब यहाँ पे क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, अल्फा वन प्लस बीटा वन, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू माइनस बी बाई सी है तो माइनस इसके आगे लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बाई सी इंटू एक्स प्लस अल्फा वन और बीटा वन की वैल्यू क्या है, अल्फा वन और बीटा की वन की वैल्यू है ए बाई सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग या तो ऐसे लिख दें सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वन बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था, देखो आई नीड सम स्पेस, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके रूट्स क्या दिए हुए थे, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा दिए हुए थे। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना था जिसके रूट्स क्या हो जाएं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक, तो जो रूट्स हो जाएं उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 1/अल्फा को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, और यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/एक्स। अब मैंने क्या किया कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वहां पे एक्स की जगह मैंने इस अल्फा की वैल्यू यानी 1/एक्स को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर एक्स की जगह 1/एक्स को हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर रूट अल्फा और बीटा हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा बीटा हो, और आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना हो जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएं, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो देखो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई क्या है एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से उठा करके सी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, ए से मल्टीप्लाई ए से क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को यहाँ से उठा करके सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, ए से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है
और एक्स स्क्वायर को उठा करके हम लोगों ने इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों ही ये शॉर्ट मेथड हैं, या तो ये लॉन्ग मेथड जो अब मैंने बताया है ये लॉन्ग मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक, ये तीनों ही मेथड हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस वन बाई अल्फा एंड माइनस वन बाई बीटा। तो यहाँ पे देखो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसके रूट्स भी दिए हैं, क्या दिए हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, जिसके रूट्स क्या हो जाएं, माइनस वन बाई अल्फा और माइनस वन बाई बीटा, ठीक है। अब मैं लॉन्ग मेथड नहीं करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे जो रूट हो जाए उसको एक्स मान लेना है, माइनस वन बाई अल्फा को हम लोगों ने अगर एक्स मान लिया तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई एक्स हो जाएगी। अब क्या करना है, ये जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई, इस अल्फा की वैल्यू को इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वन बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर के बाई अल्फा एंड के बाई बीटा। देखो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, के बाई अल्फा एंड के बाई बीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो जो रूट हो जाए उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, यहाँ पे के बाई अल्फा को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो अगर मैं के बाई अल्फा को एक्स मानूंगा तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा या नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी k बाई एक्स, ठीक है, अल्फा की वैल्यू k बाई एक्स हो जाएगी। अब इस अल्फा की वैल्यू को उठा करके इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। अगर x की जगह तुम k बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा k a इंटू k बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू k बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर आर अल्फा प्लस एस एंड आर बीटा प्लस एस। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक। अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, जिसके रूट्स हो जाएं आर अल्फा प्लस एस एंड आर बीटा प्लस एस, ठीक। अब देखो जो रूट्स हो जाए उसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आर अल्फा प्लस एस को मैं एक्स मान लूँगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एस बाई आर, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अब
अल्फा की इस वैल्यू को हम लोग ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है वहाँ पे x की जगह सब्सिट्यूट कर लेंगे। अगर x की जगह मैं x माइनस s बाई आर सब्सिट्यूट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a x माइनस s बाई आर का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस s बाई आर प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर एन एंड बीटा टू द पावर एन। यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा टू दी पावर एन एंड बीटा टू दी पावर एन। यहां पे ध्यान रखना एन एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर रूट अल्फा टू दी पावर एन और बीटा टू दी पावर एन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से मैंने बताया है, अल्फा टू दी पावर एन को एक्स मान लेंगे और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू दी पावर 1 बाई एन हो जाएगी। ठीक है, अब अल्फा की इस वैल्यू को उठा करके इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे। x की जगह x हम लोग क्या सब्सिट्यूट करेंगे, x टू दी पावर 1 बाई एन। तो गिवन तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इंटू x टू दी पावर 1 बाई एन का होल स्क्वायर प्लस b x टू दी पावर 1 बाई एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट मेथड से क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 1 बाई एन एंड बीटा टू द पावर 1 बाई एन। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा टू दी पावर 1 बाई एन और बीटा टू दी पावर 1 बाई एन। ठीक, तो शॉर्ट मेथड से हम इसको करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अल्फा टू दी पावर 1 बाई एन को एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स टू दी पावर एन। अब क्या है, इस अल्फा की वैल्यू को उठा करके इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एक्स की जगह अगर हम लोग एक्स टू द पावर एन सब्सिट्यूट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ए इंटू एक्स टू द पावर एन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप देखिए।